छात्रों आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य। यह अध्याय प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर यूपीएससी के संदर्भ में देखेंगे तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पार्ट में मौर्य कला, मौर्य स्रोत पर प्रश्न आते रहे हैं। बीपीएससी की चर्चा करेंगे तो हरेक एक बीपीएससी छोड़ करके हरेक बार मौर्य कला से प्रश्न आते रहे हैं। और प्रारंभिक परीक्षा में भी शायद ही बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ होगा जिसमें मौर्य साम्राज्य से प्रश्न नहीं आया है। इसलिए यह अध्याय प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज चर्चा करेंगे, अगला जो क्लास होगा उस पर हम मेंस पर चर्चा करेंगे, विशेषकर कला से संबंधित चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी के छात्र भी स्रोत से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो है वो ब्रीफ हम उसमें दे देंगे, वो भी मेंस में आपको काम आ जाएगा। तो मौर्य काल के संदर्भ में देखेंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ेंगे कि स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है। स्रोत क्या 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 स्रोत है जिसके बारे में हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद इसका प्रशासन कैसा था, प्रशासन के बारे में समझेंगे। इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसकी कला, तो ये चीज आपको समझना होगा। खास के स्रोत में हम चर्चा करेंगे तो जैसे प्रशासन की बात है तो अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के स्रोतों से आपको प्रशासन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, उन्हीं दोनों स्रोत से अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कला के जाएगी। और फिर अगर हम इसका डीप स्टडी करेंगे तो कला के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो हम इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमारे यहाँ कि यह मौर्य साम्राज्य जो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, यानी आज के भारत से डेढ़ गुने से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ था, इतने बड़े क्षेत्र में सुसंगठित शासन व्यवस्था का आरंभ मौर्यों के द्वारा ही किया गया था। और अगर अशोक के संदर्भ को देखेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे अशोक के बारे में भी, तो अशोक के समय में कहा जाता है बिना सैनिक सहायता से इतने बड़े क्षेत्र में 37 वर्ष तक शांति कायम रही। यह आज भी रिसर्च का विषय है, सिर्फ भारतीय लोक प्रशासन में ही नहीं, चाणक्य और अशोक के प्रशासन को इतिहास के अलावा लोक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है विश्व स्तर पर, सिर्फ भारत के स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर भी। कैसे ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी जो शांति कायम रख सकी और जो जनता के कल्याण से जुड़ी थी, दैट वॉज द फर्स्ट वेलफेयर स्टेट ऑफ वर्ल्ड। जो मौर्यों का जो साम्राज्य था वो पहला लोक कल्याणकारी राज्य था। हम विस्तृत चर्चा करेंगे बाद में, पहले हम इस पर स्रोत को बढ़िया से समझेंगे। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, इसके आधार पर हम डिटेल स्रोत के बारे में समझेंगे और इन स्रोतों से संबंधित जानकारी का अगर हम संपूर्णता से अध्ययन करेंगे तो प्रशासन अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सर्वप्रथम
विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की, और उसके द्वारा विलियम जोन्स के द्वारा जो अन्वेषण किया गया तो ये सब सारे स्रोत पता चले। स्रोत को हमने दो पार्ट बांटा है, एक साहित्यिक दूसरा पुरातात्विक। जिस इतिहास में साहित्यिक स्रोतों की पुष्टि पुरातात्विक से हो जाती है तो वो ऐतिहासिक रूप से प्रमाणिक माना जाता है, और मौर्य काल में दोनों लगभग प्रमाणिक है, कहीं कहीं संदेह है तो है। तो मौर्य काल का पुरातात्विक स्रोत इतिहास की सच्चाई तो कहती ही है, साहित्यिक स्रोत से भी हमें अस्पष्ट इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत को फिर हमने दो पार्ट में बांटा, धार्मिक और धर्मेतर। धार्मिक साहित्य में हिंदू बौद्ध और जैन, हिंदू में हिंदू धर्म के पुस्तकों में देखेंगे तो पुराण का काफी महत्व है। पुराण में ही स्पष्ट वर्णन है कि 137 वर्ष तक 137 ईयर नौ शासकों ने, मौर्य के नौ शासकों ने 137 वर्ष तक शासन किया, यानी 321 BC टू 184 BC, 321 BC से 184 BC, यानी मौर्यों ने राज किया कितना, 137 वर्ष में। ये पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। वायु पुराण में जैसे बिंदुसार के बारे में लिखा गया कि भद्रसार है, इसके अलावा पुराण में यह भी लिखा गया कि मौर्य जो थे वो शूद्र थे। तो पुराण से जानकारी मिलती है, लेकिन बृहत्तर जानकारी जो मिलती है वो बौद्ध धर्म की पुस्तक से, दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। ये पुस्तक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका की इतिवृत्ति है। इस पुस्तक में अशोक के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा कि जितने भी पुरातात्विक स्रोत हैं या जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं, किसी भी ग्रंथ या पुरातात्विक स्रोत में अशोक मौर्य के बारे में, आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ इसी पुस्तक में लिखी गई है। और इसी पुस्तक में लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की गद्दी प्राप्त की। यह जानकारी जो है दीपवंश और महावंश में जो दी गई है वह काल दोष से भी ग्रसित है और धर्म से अतिरंजित है। यह पुस्तक अशोक के शासन ग्रहण करने के 500 वर्ष बाद लिखी गई थी। दूसरा, इसमें बौद्ध धर्म का महिमा मंडन किया गया है। वो इसका संदर्भ ये है, वो कहता है, ऐसा चंड, ऐसा क्रूर अशोक जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, जिसने कलिंग युद्ध में 9 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या की और 1.5 लाख लोग उस युद्ध में मारे गए, लेकिन बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वह अहिंसा का पुजारी हो गया। यहां अशोक के बारे में वर्णन कम, अशोक के बौद्ध धर्म के वर्णन में ज्यादा है, लेकिन क्योंकि अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में सिर्फ यही जानकारी देता है, इसलिए इसका महत्व है। दीपवंश, महावंश, श्रीलंका की इतिवृत्ति परीक्षा में पूछा जाएगा कि अशोक के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, तो श्रीलंका की इतिवृत्ति या दीपवंश, महावंश। दिव्यावदान में भी बिंबिसार, बिंदुसार और अशोक के बारे में विस्तृत वर्णन है। जैन धर्म में कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, जिसमें कहा गया, जिसमें वर्णन है
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में शरण बेलगोला में जाकर के संलेखना विधि के द्वारा, काया क्लेश विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया, मोक्ष की प्राप्ति की, इस तरह का संदर्भ है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या पाटलिपुत्र में आया काल के बारे में उसमें वर्णन है। परिशिष्ट पर्वन ये हेमचंद के द्वारा लिखा गया, जो जयसिंह और कुमारपाल सोलंकी शासक के दरबारी थे। इन्होंने अभ्रंश का व्याकरण लिखा। इस पुस्तक में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, खासकर उनके अंतिम जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा है। उसके बाद अगर ऐतिहासिक ग्रंथ देखेंगे तो अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, और जब हम अर्थशास्त्र बताएंगे तो उसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था से जुड़े बहुत सारी चीजें होंगी, इसलिए उसको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। अब इस पहले सब कर देते हैं। मुद्रा राक्षस यह एक नाट्य ग्रंथ है जो गुप्त काल में लिखा गया। इस पुस्तक में लिखा गया है कि चाणक्य अपने पिता की खोज करते हुए नंद दरबार में गया। वहां नंद राजा घनानंद ने उसका अपमान किया, और वहीं पे घनानंद ने यह संकल्प लिया, घनानंद के विरुद्ध चाणक्य ने संकल्प लिया कि जब तक मैं नंदों का समूल नाश नहीं कर दूंगा, अपनी चुटिया नहीं बांधूंगा। और वहीं से निकलकर उन्होंने बालक चंद्रगुप्त मौर्य को एक योग्य सेनानी, एक योग्य नेतृत्वकर्ता बनाया, और चंद्रगुप्त मौर्य को और राजाओं से जोड़कर न सिर्फ भारत को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाई, बल्कि संपूर्ण भारत को विखंडन की जो प्रक्रिया थी उससे मुक्ति दिलाई। इसकी चर्चा मुद्रा राक्षस में है। हर्षचरित, वानवट के हर्षचरित में मौर्य वंश के अंत के बारे में जो वर्णन है, इसमें लिखा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। उसके बाद मामुलनार और पुरनारू, यह दोनों पुस्तक दक्षिण की पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों से यह पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में भी था। डीपीएससी में इन सब से बराबर एक बार पूछा गया था कि किस पुस्तक से यह पता चलता है कि मौर्यों का विस्तार दक्षिण भारत में था, तो यह है मामुलनार और पुरनारू। राजतरंगनी, कलहन की राजतरंगनी दो संदर्भ से जाना जाता है। एक उसमें वर्णन यह है कि अशोक आरंभिक समय में शैव अनुयायी था, और उसने कश्मीर में विजयेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। और इसके बाद इसी में वर्णन मिलता है कि अशोक के वंश परंपरा में जालौक कश्मीर का शासक हुआ, और वो भी शैव अनुयायी था। अब हम विदेशी यात्रा वृतांत पर गौर करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अर्थशास्त्र हम बाद में देखेंगे। विदेशी यात्रा वृतांत में यूनानी और रोमन लेखकों पर चर्चा करेंगे। यूनानी में एक तो सिकंदर के साथ जो आए, उससे हमारे यहाँ तिथि के निर्धारण में, जिसको वास्तविक इतिहास कहा जाता है, उसमें महत्वपूर्ण एक पड़ाव माना जाता है। नियार्कस, एनेसिक्रिटीस और अरिस्टोबुलस, ये पूछा भी जाता परीक्षा में, पीपीएससी में पूछा गया कई बार कि सिकंदर के समकालीन कौन कौन आए थे।
इससे पहले अगर चर्चा है तो टेसियस की चर्चा है, हेरोडोटस की चर्चा है, लेकिन ये भारत नहीं आए थे। हेरोडोटस ने भी भारत के इतिहास के बारे में लिखी है और टेसियस ने, लेकिन उसको आप मौर्य सम्राट से नहीं जोड़ के देखेंगे। लेकिन जो सिकंदर के बाद आए मेगस्थनीज, जो लगभग 6 वर्षों तक भारत में रहे, जस्टीन, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी, इनके द्वारा दी गई जानकारी से मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। विशेषकर मेगस्थनीज की जो पुस्तक इंडिका है वह मौर्य साम्राज्य के जानकारी के बारे में महत्वपूर्ण स्रोत है। निश्चित यह पुस्तक मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, इसे बाद के लेखकों ने सिर्फ उद्धृत किया है, परंतु जो भी उद्धरण हमें विभिन्न परवर्ती लेखकों के द्वारा दिया गया है उससे हमें कई जानकारी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। ये बीपीएससी में कई बार आ चुका है, आप ध्यान में रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के बारे में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी कई चीज़ें मेगस्थनीज ने कही जो बीपीएससी में बराबर प्रश्न आते हैं, इवन कि यूपीएससी में भी कई बार प्रश्न आते हैं। जैसे वो कहता है भारत में अकाल नहीं आते थे, हालांकि ये वर्णन सत्य नहीं है, क्योंकि सहगौरा और महास्थान अभिलेख ये बताता है कि राज्य के द्वारा अकाल से निपटने के लिए उपाय किए जाते थे। और जैसे मैंने कहा था पहले कि 299 BC से 288 BC तक 12 वर्ष का एक भयंकर अकाल आया था पाटलिपुत्र में। दूसरा वो कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि चाणक्य कहते हैं कि भारत में दास प्रथा थी। निश्चितया जो उन्होंने यूनानी दासों के साथ निर्दयता का व्यवहार देखा वैसा व्यवहार यहाँ के दासों को नहीं, दासों के प्रति नहीं देखा, इसलिए भ्रमवश वो कह गए कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, जबकि दास प्रथा थी। भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा, वह भी व्यवहारिक नहीं है, या विभाजन जो है कर्म के आधार पर लगता है, जबकि जातिगत विभाजन हमारे यहाँ उस समय व्याप्त हो चुकी थी। एक और वो बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षिका महिलाएं थी, चंद्रगुप्त मौर्य की अंगरक्षिका महिलाएं थी। दूसरा दो देवता के बारे में बताता है, डायोनिसियस जो शिव से तुलना की गई है, डायोनिसियस यानी शिव और हेरक्लीस मतलब कृष्ण, ये भी परीक्षा में पूछा था पीटी में, डायोनिसियस मतलब शिव और हेरक्लीस मतलब कृष्ण। इसके अलावा मौर्य राज प्रसाद के बारे में भी वर्णन किया गया है। मौर्य राज प्रसाद के बारे में एरियन का वर्णन भी महत्वपूर्ण है। एरियन कहता है कि मौर्य राज प्रसाद सूसा और इकबताना से भी बेहतर थी, मौर्य राज प्रसाद सूसा और इकबताना से भी बेहतर थी, जो उस समय विश्व का सबसे बड़ा राज प्रसाद हुआ करता था, उससे भी यह बेहतर थी। इसके बाद अगर जस्टिन के बारे में कहते हैं तो जस्टिन कहता है कि विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वो विस्तृत वर्णन करता है, वो कहता है कि 6 लाख सेना के साथ उसने भारत को रौंद डाला। वो यह भी कहता है कि सिकंदर से वो मिला था, उसकी स्पष्टवादिता से वो क्रुद्ध हो गया था। और तीसरा वो कहता है कि यह मुक्तिदाता था जिसने उत्तर पश्चिम भारत से यूनानियों का जुआ उतार फेंका। चीनी लेखकों में फायान का महत्वपूर्ण स्थान है। फायान ने
पाटलिपुत्र राजप्रसाद के बारे में कहा है कि ऐसा भव्य राजप्रसाद, ऐसा विशाल राजप्रसाद, ऐसा लगता है या तो देवता ने बनाया है या दैत्य ने बनाया है। यानी 600 वर्ष के बाद भी उसकी भव्यता इतनी बेहतर थी। वेन सांग भी फायान के चरण कर्म पर विशेषकर बौद्ध धर्म के लिए अशोक के किए गए कार्यों पर फोकस करते हुए लिखता है। अब हम पुरातात्विक स्रोतों पर देखेंगे तो शिलालेख अशोक पूर्व, अशोककालीन, अशोकोत्तर, तीन पार्ट में मैंने इसको बांट दिया है। एक तो अशोक पूर्व में मैंने अभी कहा है सौगहरा और महास्थान अभिलेख है। तो सौगहरा और महास्थान अभिलेख में अकाल और अकाल से निपटने के उपाय का विस्तृत वर्णन है। अशोककालीन शिलालेख अभिलेख स्तंभलेख के लिए काल बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी हम बाद में छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कई शिलालेख है, फिर लघु शिलालेख है, फिर स्तंभलेख है, तो इसको अर्थशास्त्र अशोककालीन इसको हम अलग से मिटा करके इस दोनों को अलग से बताएंगे। बाकी आते हैं अशोकोत्तर में, अगर हम देखेंगे एक जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है जो 150 एडी का है, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। उस अभिलेख से पता चलता है कि वो पश्चिम में, पश्चिम भारत में मौर्यों का कब्जा था और चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त को अपना गवर्नर बनाया था वहां का, और अशोक ने तुशासन, ये खूब परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा, पुष्यगुप्त और तुसास। अशोक के समय में तुसास यवन था, इसीलिए बराबर पूछा जाता है तुसास, तुसास अशोक के समय में और चंद्रगुप्त के समय में, मौर्य के समय में जो है वो पुष्यगुप्त, ये पुष्यगुप्त था। और यह एकमात्र अभिलेख है जहां दोनों की चर्चा है, अशोक की भी चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य की। ये भी बीपीएससी में रेगुलर पूछा जाता है कौन सा अभिलेख है जहां दोनों अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की चर्चा है, दैट इज जूनागढ़ अभिलेख। तो ये एक महत्वपूर्ण है। अब हम मुद्रा का देखेंगे तो सबसे जो पॉपुलर मुद्रा थी, जो प्रचलित मुद्रा थी, जिसमें वेतन दिया जाता था, जिसमें व्यापार वाणिज्य के लिए इस्तेमाल होता था, वो था करसापन। ये करसापन और ये मिश्रित मुद्रा थी, चांदी तांबे मिश्रित मुद्रा थी, कई चार मुद्राओं से मिलकर, चार धातुओं से मिलकर बनी हुई थी, कहीं कहीं लिखा दो धातुओं से, लेकिन ये करसापन एक मिश्रित मुद्रा थी जो सबसे ज्यादा प्रचलित थी। शतमान जो था वो चांदी का सिक्का था, सुवर्ण यह सोने का सिक्का था, मासनी मासिक या काकनी जो है ये तांबे का सिक्का था। और मौद्रिक अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ थी। आप हम अर्थव्यवस्था में देखें, लेकिन यहीं पर आकर देख लेते हैं तो दो अधिकारी थे, एक तो मुद्रा का परीक्षण करने वाला जो अधिकारी था वो था रूपदर्शक। रूपदर्शक ये आप उसको ध्यान में रखेंगे, अध्यक्ष का हम बाद में देखेंगे। उसके बाद स्तूप, अस्तूप जो अस्तूप की भारत में एक लंबी परंपरा रही है, तो लेकिन अस्तूप को व्यवस्थित आधार देने का काम अशोक ने ही किया है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम कला वाले चैप्टर में करेंगे। गुहा बिहार, गुहा बिहार बिहार में आप गया कि नागार्जुनी, फिर बराबर गुफा, इसकी चर्चा करेंगे। अशोक और दशरथ के बारे में चर्चा करेंगे, दशरथ उसी में चर्चा है कि दशरथ भी अपने आप को अशोक की तरह ही देव नाम प्रिय कहता है, यह मौर्य काल कला में देखेंगे। और राजप्रसाद के बारे में भी जिसकी विस्तृत चर्चा मगस्थनीज ने की है, तो उसको हम कला के संदर्भ में विशेष रूप से देखेंगे।
अब हम अर्थशास्त्र और अशोककालीन अभिलेख को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कि मैंने कहा अर्थशास्त्र को हम बाद में देखेंगे, यह एक समकालिक पुस्तक थी और ये खुद मौर्य प्रशासन अर्थव्यवस्था और समाज से सीधे जुड़े हुए थे। इस कारण जो अर्थशास्त्र में जो वर्णित है उससे हमें तत्कालीन प्रशासन अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चाणक्य विष्णु इस विष्णुगुप्त का था के द्वारा रचित अर्थशास्त्र की खोज आर साम शास्त्री ने 1909 में की। अगर प्रशासन को देखेंगे तो अगर आप गौर करेंगे आज के प्रशासन से तो बहुत कुछ आपको मिलता जुलता नजर आएगा। प्रशासन में जो सबसे प्रमुख पद होता था राजा के बाद वो था मंत्रिना, जिसको आप किचन कैबिनेट कहते हैं, इनर कैबिनेट कहते हैं। आज भी जो है सीसीए जो होता है वो 5 मंत्रियों का, तो उसको कहते हैं मंत्रिना, और ये सबसे उच्च पद होता था और इसके इसका वेतन जो है 48,000 पन ये होता था। उसके बाद मंत्रिमंडल, इसको परिसा कहा गया है, परिसा मंत्रिमंडल को परिसा कहा जाता था और मंत्रिमंडल का चुनाव के लिए एक परीक्षा पद्धति भी थी और इसका वेतन जो था वो 12,000 पन। और अध्यक्ष, जैसे आज विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी जो है उसके संदर्भ में है, आप सिक्स सेक्रेटरी के रूप में देख सकते हैं, तो वो है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की संख्या 27 बताई गई है, 27 को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बता दिया है, बस इतना ही याद कर लेंगे, यही परीक्षा में आपको आएगा। एक है लक्षणा अध्यक्ष जो मुद्रा विभाग से जुड़ा हुआ था, विभिन्न मुद्राएं जो होती थी रूपदर्शक परीक्षण करता था और फिर इसकी अनुमति लक्षणा अध्यक्ष के द्वारा ही होता था, या टकसाल का भी सारा देखरेख इसी के द्वारा होता था। फिर कुप्याध्यक्ष या वन विभाग का अध्यक्ष होता था, शूनाध्यक्ष या बूचर खाने का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित है, कृषि विभाग को देखता था। कभी कभी इसमें ये भी प्रश्न होता था सीता विभाग में कि राजकीय भूमि को क्या कहा जाता है, राजकीय भूमि को, तो राजकीय भूमि को भी सीता भूमि कहते थे और जिसका देखरेख सीता अध्यक्ष करता था। उसके बाद है विविताध्यक्ष जो है चारागाह विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद था पण्याध्यक्ष, यह जो है व्यापार का प्रमुख होता था। फिर होता था अछपटला अध्यक्ष या लेखा विभाग का प्रमुख होता था, अकराध्यक्ष या खान विभाग का प्रमुख होता था, फिर सूत्राध्यक्ष या कटाई बुनाई विशेष कपड़ा विभाग से संबंधित आप कह सकते हैं, और एक गणकाध्यक्ष जो वैश्यावृत्ति जो करती थी तो उसका वो संचालन करता था। तो गणकाध्यक्ष आप इतना अध्यक्ष याद करके रखेंगे प्रशासन के संदर्भ में। प्रशासन के संदर्भ में एक सप्तांग सिद्धांत दिया था जिसको आप कह सकते हैं प्राचीन काल में जो राजत्व की जो अवधारणा है सिर्फ 2 जगह थी, एक मौर्य साम्राज्य में, दूसरा यूनान में स्पार्टा में थी और दूसरा मौर्यों में। तो मौर्यों ने सप्तांग सिद्धांत की अवधारणा दी थी। सप्तांग सिद्धांत अवधारणा ये कहता है कि राजा सिर्फ अकेला राज्य नहीं होता है, राजा के साथ दुर्ग कोष 7 सेप हैं। तो वो सप्तांग सिद्धांत राजत्व सिद्धांत की अवधारणा यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये प्रशासन से जुड़ा हुआ एक क्रमबद्ध सेप है कि कैसे उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। उसके बाद अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखेंगे तो इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा है। एक तो करारोपण के बारे में देखिए, एक यूनिक है कि पहली बार
करारोपण को व्यवस्थित आधार मौर्यों ने दिया। और आप कह सकते हैं जल थल नव सबको करके दायरे में उसने ले लिया। और जो भूमिकर हुआ करता था वो 1/4 to 1/6 के बीच में होता था। इसके बाद सिंचाई कर लगता था वैसा जिसको भूमि दी जाती थी और राज्य की तरफ सिंचाई व्यवस्था दी जाती थी, तो उसके लिए सेतु बंध सिंचाई कर सेतु बंध। उसके बाद एक और था प्रणय कर, जो इंपॉर्टेंट है वो याद करना, प्रणय कर या एक आपातकालीन कर हुआ करता था प्रणय कर। उसके बाद एक हिरण्य या नगद कर हुआ करता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो व्यापार वाणिज्य करने के लिए लोगों को पैसे भी चाहिए था, तो उसके लिए इंटरेस्ट लेते थे। तो अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि इंटरेस्ट जो है 15 से 60% लिया जाता था, अर्थ 15 to 60% इंटरेस्ट सूद लिया था। विशेषकर ये कई बार एक बार BPSC में आया था कि सबसे ज़्यादा कर किस में लिया जाता था, तो समुद्री व्यापार के लिए सबसे जो करने जाते थे उससे सबसे ज़्यादा सूद लिया जाता था 60%। इसके अलावा सेल टैक्स लिया जाता था, फिर और बिक्री। इसके अलावा अगर देखेंगे बंदरगाह, क्योंकि व्यापार होता था विदेशी व्यापार, जिसके बारे में आप देखिएगा व्यापार जो होता था गंधार से फिर हेरात, फिर हेरात से कावेताना, ये सबसे बड़ा विदेशी व्यापार था। और आंतरिक विदेशी व्यापार में आंतरिक व्यापार में तक्षशिला पाटलिपुत्र से तक्षशिला ये सबसे महत्वपूर्ण व्यापार था, जिसको उत्तरापथ कहा था। ये बराबर BPSC पूछा जाता है, पाटलिपुत्र से तक्षशिला को उत्तरापथ कहा जाता है। और बंदरगाह से जो व्यापार होता था ये बहुत महत्वपूर्ण था, और उसमें बंदरगाह को कुलग्राम या वेदाग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदरगाह को कुलग्राम या वेदाग्राम कहते थे। इसके अलावा अगर सिक्के को देखेंगे तो मैंने कहा एक तो सबसे ज़्यादा करसापन जो चांदी और तांबे का बना हुआ था, मिश्रित मुद्रा था, ठीक है। तो इस करसापन में जो अर्ध पहाड़ी अर्धचंद्र प्रकार का जो सिक्का था वो चंद्रगुप्त मौर्य का था, और जिन सिक्कों पर पशु चित्र अंकित थे वो अशोक के सिक्के थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो PPSC में पूछा, अदैव मात्रिक। अदैव मात्रिक ऐसी भूमि होती थी जहाँ बिना सिंचाई किए ही खेती कर ली जाती थी, यानी सिंचाई की जरूरत नहीं होती थी, खेती कर ली जाती थी, उसको कहते थे अदैव मात्रिक। BPSC में पूछा है। एक है केदार। केदार जो कृषि योग्य भूमि को केदार कहते थे, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा जो BPSC में पूछा जाता था, यहाँ पे जो कर नहीं अदा करते थे उसको मृत्यु दंड दिया जाता था, यानी कर चोरी सबसे बड़ा अपराध था और इसके लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। कर का दायरा इतना विस्तृत था जिससे आप लगा सकते हैं कि गणिकाओं पर भी टैक्स लगता था, उसके लिए गणिकाध्यक्ष काम करता था, ठीक है। और जो वैश्यावृत्ति, अब देखिएगा वैश्यावृत्ति करने वाले को रूपा जीवा कहा जाता था, रूपा जीवा। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, इनका जो जैसे वित्तीय वर्ष है वो आषाढ़, वित्तीय वर्ष जो है वो आषाढ़ था, यानी जुलाई महीने से। ये जो है अगर आप इसका जो जुलाई महीने देखेंगे तो ये RBI का जो सेप है वित्तीय वर्ष वो इसी तरीके का है। तो आषाढ़ था इनका वित्तीय वर्ष। उसके अलावा 324 दिन का एक कार्य दिवस होता था। समाज के बारे में अगर देखेंगे तो समाज में सामाजिक व्यवस्था, खास के मैंने कहा था कि नगद की भूमि जो थी प्रगतिशील भूमि थी, समाज में समन्वय था, वर्चस्व किसी का नहीं था, यहाँ तक कि शूद्रों को भी आर्य कहा जाता था। और सन्यासी को भी अगर सन्यास धारण करना है तो चाणक्य ने कहा है कि सन्यासी जब तक अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर लेता है
तो वो संन्यास धारण नहीं कर सकता था, तो एक नियंत्रित स्वरूप था। ठीक है, जातिगत विभाजन था, दास प्रथा थी, लेकिन वो इतनी संकीर्ण नहीं थी, क्योंकि वो जो सप्तसैंधव प्रदेश की जो कुरीतियाँ थी बहुत कुछ इस क्षेत्र में आकर के खत्म हो गई थी। और वैसे भी जैसे बता देते हैं कि मौर्य खुद शूद्र थे, तो शूद्र का वर्चस्व होगा ही, कृषि अर्थव्यवस्था से के आधार पर अर्थव्यवस्था चल रही थी तो उनका वर्चस्व होगा ही। और कृषि अर्थव्यवस्था को व्यापार के रूप में, कृषि अर्थव्यवस्था उससे जुड़े व्यापार को नियंत्रित करने के कारण वैश्य, तो वैश्यों की स्थिति भी मजबूत थी। तो और तो इस कारण समाज में जो निम्न तबका जिसको दबाया जा रहा था, वहाँ ये चीज़ यहाँ खत्म हो गया है। तो इससे अगर अर्थशास्त्र को विस्तृत शेप से देखेंगे तो कहा था अधिकतर सब बीपीएससी में मिला देंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ आता है। आप इसको गंभीरता से एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत अधिकतर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलेंगे अशोक।